ओके क्वेश्चन नंबर 06 FA1 कैपलान एग्जाम किट सॉल्व करते हैं। अच्छा क्या लिखा, फिलिप्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शोज आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट पेड इन बाय फिलिप ऑफ 3,800 और आउटस्टैंडिंग चेक्स टू सप्लायर ऑफ 3,500। इस बैंक अकाउंट इज लेजर शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 25,000। अच्छा व्हाट बैलेंस डज फिलिप बैंक स्टेटमेंट शो। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस फाइंड करना है। अच्छा ये जो 25,000 है ये क्या है, बैंक अकाउंट इन इज लेजर शोज। बैंक अकाउंट मतलब कैश बुक का बैलेंस दे दिया ना, कैश बुक या बैंक अकाउंट का बैलेंस है, हमें बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस फाइंड करना। क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा 206 इसमें हमें बैंक अकाउंट का बैलेंस गिवन है और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस फाइंड करना है। अच्छा तो ये फॉर्मेट है हमारे पास कैश बुक का और ये BRS का ना, फाइंड क्या करना है हमें, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ये तो फाइंड करना है और हमें इसमें बैंक अकाउंट या कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है देख, बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना है, 25,000, ये लिख लेते हैं BD। अच्छा देख अब इसमें आपको ये लिखा हुआ है कि बैंक स्टेटमेंट शोज आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट का दूसरा नाम आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स पेड इन, इसको हम अनक्लियर चेक्स भी कहते हैं। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स पेड इन मीन्स अनक्लियर चेक्स। अनक्लियर चेक्स कितने हैं, 3,800। अच्छा ये लिख लेते हैं 3,800। इसके बाद आउटस्टैंडिंग चेक्स टू सप्लायर ऑफ 3,500, तो ये कौन से चेक होंगे, आउटस्टैंडिंग चेक्स टू सप्लायर तो अनप्रेजेंटेड हो जाएंगे, सप्लायर को हमने चेक दिया जो भी आउटस्टैंडिंग है तो अनप्रेजेंटेड माइनस होते हैं। अभी तीन फिगर्स हमें दी हुई है सिर्फ, अब हमें फाइंड क्या करना है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अच्छा तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें अगर ये बैलेंस एज पर कैश बुक मिल जाए तो हम रिवर्स कैलकुलेट करके बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट फाइंड कर सकते हैं। इसमें 25,000 इसका एडजस्टेड बैलेंस होगा क्योंकि कैश बुक की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 25,000 एडजस्टेड बैलेंस एज पर, मैं लिख भी देता हूँ एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना आ गया 25,000। अब हमें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, रिवर्स कैलकुलेट करेंगे। अच्छा रिवर्स कैलकुलेशन में क्या होगा, 3,500 प्लस हो जाएगा 3,800 माइनस, तो ये बैलेंस आ जाएगा 24,700 बैलेंस एज पर बैंक स्टेट। ठीक है आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 209 209 में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है रिक्वायरमेंट क्या, अज्यूमिंग द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस ऑफ 38,600 इज करेक्ट, व्हाट शुड बी द कैश बुक बैलेंस बी। अच्छा तो देखिए कंप्लीट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना हुआ है, अब इसमें हमें ये देखना है कि यहाँ इसमें कोई मिस्टेक है या नहीं है। अच्छा अगर इसमें सपोज कर लें कोई मिस्टेक नहीं है तो आंसर यही होगा 76,500, और अगर कोई मिस्टेक है तो आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है इसमें क्या मिस्टेक है,
हाँ तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट पर बैंक स्टेटमेंट 38,600। तो ओवरड्राफ्ट नेगेटिव में होता है, इसने पॉजिटिव में लिखा हुआ है, ये मिस्टेक है। हाँ जी जी याद आ गया बिल्कुल। इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलें दोबारा कर लेते हैं। तो इससे हम लिखेंगे -38,600 +41,200 -3,300। तो आंसर आएगा -700। और माइनस मीन्स ओवरड्रॉन, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। लिख लेते हैं इधर 209 सी। नेक्स्ट, ये कंट्रोल अकाउंट का क्वेश्चन है। ये बताए 211 211 ठीक विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स रिक्वायर एन एंट्री इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस, डिसऑनर चेक, क्रेडिट ट्रांसफर, स्टैंडिंग ऑर्डर। ना 1 2 5 6 ऑप्शन ए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ये कंट्रोल अकाउंट एरर। कंट्रोल अकाउंट टू फिफ्टी, क्वेश्चन नंबर 250। 250 ऑप्शन बी। नेक्स्ट 251। चलिए सॉल्व करवा देता हूँ। अच्छा 251, इसमें क्या लिखा है, बिजनेस हैज डेबिट बैलेंस ऑन इट्स कैश बुक ऑफ फॉर 148, बट द बैंक स्टेटमेंट शोज अ डिफरेंट बैलेंस। द बैलेंस फॉलोइंग आइटम्स हैव आल्सो बीन डिस्कवर्ड। अच्छा ये आइटम दे फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट बैलेंस फाइंड करना है, तो ये इसी तरह होगा जो भी हमने क्वेश्चन किया था 206। इसमें ये मैं फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। नहीं, टू फिफ्टी वन तो बहुत कुछ है। अच्छा इसमें भी हमें बैलेंस है, सो बैंक स्टेटमेंट फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें एडजस्टेड बैलेंस चाहिए होगा। और एडजस्टेड बैलेंस कहाँ से आएगा, कैश बुक से। तो पहले कैश बुक बनाएंगे, VRS बनेगा उसके बाद और आंसर आ जाएगा। तो कैश बुक बनाते हैं पहले। कैश बुक का बैलेंस है 148 डेबिट। उसके बाद अब ये देखते हैं एडजस्टमेंट क्या है। पॉइंट वन, बैंक स्टेटमेंट शोज देयर वर बैंक चार्जेस फॉर द पीरियड ऑफ 150, पीरियड ऑफ $10 विच हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक कैश अकाउंट। रिकॉर्ड कर लेते तो बैंक चार्जेस कहेंगे क्रेडिट पे। सेकेंड है स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट ऑफ 25 हैज आल्सो बीन मिस्टेकनली ओमिटेड फ्रॉम द कैश अकाउंट। स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट है कैश बुक में क्रेडिट। पॉइंट थ्री, चेक्स टोटलिंग 125 हैड बीन रिटेन एंड साइन टू सप्लायर बट हैड नॉट येट बीन प्रेजेंटेड। ये तो हो गया अनप्रेजेंटेड चेक, नहीं आएंगे। अच्छा यहाँ लिख लेते अनप्रेजेंटेड, यहाँ से माइनस होंगे 125। पॉइंट फोर है, चेक फॉर 85 हैड बीन पेड इनटू द बैंक बट वाज स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो ये अनक्लियर चेक हो गया ना, पेड इनटू द बैंक,
अनक्लियर चेक ऐड हो जाएंगे 85। अच्छा कैश बुक को क्लोज करते हैं, टोटल आ गया 148। 148 माइनस करें इसमें से 10 और 25, एडजस्टेड बैलेंस बताएं कितना आ रहे हैं, 113। ये एडजस्टेड बैलेंस आ गया एज पर कैश बुक 113, यहां देख लेते हैं 113। और अब रिवर्स कैलकुलेशन होगी, रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं, आंसर बताएं क्या आ रहा है कितना। तो रिवर्स में 113 में 125 ऐड होगा, 85 लेस करेंगे, बैलेंस कितना आ रहा है 153। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 252। प्रश्न कुछ तो बन ही जाएगा। 252 इसमें आपको बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस गिवन है ओवरड्राफ्ट ऑफ 210। फाइंड क्या करना है, करेक्ट कैश बुक बैलेंस फाइंड करना है। तो इसमें बताएंगे बीआरएस बनेगा कैश बुक बनेंगे दोनों। हाँ नहीं, इसमें देखिए हमें कैश बुक का बैलेंस तो गिवन ही नहीं है ना, तो कैश बुक हम नहीं बना सकते। इसमें बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस गिवन है तो सिर्फ बीआरएस बनेगा, क्योंकि देखिए जो बीआरएस का एडजस्टेड बैलेंस होता है 113 जैसे यहाँ पर है, तो बीआरएस का एडजस्टेड बैलेंस और कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस सेम ही होता है ना। एडजस्टेड बैलेंस के लिए आप चाहे कैश बुक बनाए या बीआरएस बनाए, आंसर सेम होता है। अब डिपेंड करता है कि आपको गिवन क्या बनाएंगे क्या, तो वो डिपेंड करता है बैलेंस किसका गिवन है। यहां उसने हमें बैलेंस दिया बैंक स्टेटमेंट का, तो हम बीआरएस बनाएंगे, उसमें ये अनक्लियर अनप्रेजेंटेड टाइटल्स करेंगे, आपके पास एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा, कैश बुक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप, ठीक है। सिर्फ बीआरएस बना के हम एडजस्टेड बैलेंस निकाल सकते, ठीक है। ये फॉर्मेट कॉपी हो गया, आप इसको सॉल्व करते हैं। अभी हमें बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस यहाँ से दिया है कितना, 210 ओवरड्राफ्ट है माइनस 210। अनक्रेडिटेड क्लॉजमेंट मीन्स अनक्लियर चेक 30 ऐड करेंगे, और अनप्रेजेंटेड चेक है 83 माइनस हो जाएंगे 83। अच्छा डिसऑनर्ड चेक बीआरएस में आते हैं कैश बुक में आते हैं, कैश बुक में आते हैं तो बीआरएस में नहीं आएंगे। अब इसका सम कर लेते हैं, यार है माइनस 263, ठीक है। ये हो गया एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक माइनस 263, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 253। जिसमें क्या, बैंक स्टेटमेंट शोज बैलेंस एट बैंक 1360 व्हाइल द कैश बुक बैलेंस ऑन द सेम डेट इज 1250, हाउ कुड दिस डिस्क्रिपेंसी बी एक्सप्लेन। सब रीजन बतानी है सिर्फ, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 1360, कैश बुक बैलेंस 1250, डिफरेंस कितना बन रहा है 110 का। अब इसकी रीजन बतानी है। अच्छा देखें, जिस वजह से डिफरेंस आता है उसकी अगर करेक्शन कर लें तो डिफरेंस खत्म हो जाएगा। तो अब चार ऑप्शन है, चारों की हम वन बाय वन करेक्शन करते हैं। जिस ऑप्शन की करेक्शन पे दोनों बैलेंस सेम होगा वही आंसर होगा ना, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मेट कॉपी करते हैं पहले 253। ओके अच्छा देना, पहले दिन का बैलेंस लिख लेते हैं, कैश बुक बैलेंस कितना है 1250, और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 1360, ठीक है।
अब वन बाय वन करेक्शन करते हैं। ऑप्शन ए अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स, अनक्लियर चेक्स होते हैं। अच्छा अनक्लियर चेक्स क्या होंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब ये बैलेंस कितना आएगा इसका, 1470 हो जाएगा। दोनों बैलेंस सेम नहीं हो रहे तो ए आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी बैंक चार्जेस 110 नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, रिकॉर्ड कर लेते हैं। बैंक चार्जेस कैश बुक में क्रेडिट होंगे, ये बैलेंस तो और भी कम हो जाएगा ना, ये भी नहीं होगा आंसर। सी बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑफ 55 क्रेडिटेड इन द कैश बुक, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो ये कैश बुक में डेबिट होगा क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो डेबिट होना चाहिए ना, इसने क्या किया डेबिट करने के बजाय क्रेडिट कर दिया है, एरर आ गया। तो करेक्शन क्या होगी, हाँ डेबिट करना था क्रेडिट किया तो डबल से डेबिट करेंगे ना, 110 से डेबिट करेंगे तो ये बैलेंस आ जाएगा 1360, 1360 दोनों बैलेंस सेम हो गए, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा प्रैक्टिस के लिए डी की करेक्शन भी करके देख लेते हैं। डी क्या डिसऑनर चेक फॉर 55 व्हिच द बिजनेस डिड नॉट नो अबाउट अंटिल इट वाज रिटर्न्ड आफ्टर द डेट ऑफ बैंक स्टेटमेंट, डिसऑनर चेक है ये कैश बुक में आएगा क्रेडिट पर, माइनस होगा तो बैलेंस और कम हो जाएगा, इक्वल नहीं है, तो करेक्ट आंसर सी। अच्छा 254 कैश बुक का बैलेंस है, 293 बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, 151 रीजन बतानी है। अच्छा अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स मीन्स अनक्लियर चेक। अच्छा इसकी एडजस्टमेंट कैश बुक में होगी बीआरएस में होती है, बीआरएस तो कैश बुक में नहीं होगी तो ए आंसर नहीं होगा। बी अनक्रेडिटेड लॉजमेंट फॉर विच नो एडजस्टमेंट टू द कैश बुक इज नेसेसरी, सही है तो बी हो सकता है आंसर। अच्छा सी ए बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड एज रिवील्ड बाय द बैंक स्टेटमेंट, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है फॉर विच एडजस्टमेंट टू द कैश बुक इज नेसेसरी, होगी कैश बुक में। अच्छा और डी बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड एज रिवील्ड बाय द बैंक स्टेटमेंट फॉर विच नो एडजस्टमेंट टू द कैश बुक इज नेसेसरी, ये गलत है तो इट मीन्स आंसर होगा बी या सी में से। अच्छा तो देखिए कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कम है। अच्छा देखिए सी में तो कह रहा है अनक्रेडिटेड लॉजमेंट, ये तो आपका बीआरएस में ऐड होता है ना, कैश बुक में ऐड नहीं होता। अच्छा बीआरएस में ऐड करेंगे तो बीआरएस का बैलेंस ज्यादा हो जाएगा, दोनों बैलेंस इक्वल आ जाएंगे। और बी कह रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड किया आपने तो ये तो कैश बुक में ऐड होगा, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो बैंक डेबिट होगा, तो कैश बुक का बैलेंस ऑलरेडी ज्यादा है और ज्यादा हो जाएगा, तो सी आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट फॉर विच नो एडजस्टमेंट टू द कैश बुक इज नेसेसरी। ये क्यों आ रहा है, नहीं गलत है बी आएगा, क्योंकि अनक्रेडिटेड लॉजमेंट होती है अनक्लियर चेक को कहते हैं, अनक्लियर चेक कैश बुक में नहीं आते बीआरएस में आते हैं, तो वहां गलत है बी। ये तो आसान है। 256 अच्छा ये छोड़ दें, इसको देखते हैं बाद में। 257 बताएं अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स, अनक्लियर चेक्स होते हैं ठीक है, जी 257 अनक्रेडिटेड लॉजमेंट है, एरर तो नहीं होता ना, ये तो टाइमिंग डिफरेंस होता है, पहले कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं बाद में बीआरएस में रिकॉर्ड होता है ना, बैंक रिकॉर्ड करता है, तो ए भी नहीं होगा बी भी नहीं होगा, दोनों में एरर की बात हो रही है ना, तो आंसर सी या डी में से होगा।
अनक्रेडिटेड लॉजमेंट यानी कि अनक्लियर चेक पहले कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? कैश बुक में, बाद में बैंक स्टेटमेंट में। तो कैश बुक आपकी अपडेटेड होती है, बैंक स्टेटमेंट आउटडेटेड होता है। हम करेक्शन कहाँ करते हैं? बैंक स्टेटमेंट में करते हैं ना, उसके बाद वो अपडेट होता है। पहले कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, कैश बुक अपडेटेड होती है, बैंक स्टेटमेंट में बाद में रिकॉर्ड होता है, वो आउटडेटेड होता है, और रिकॉर्ड करने के बाद वो अपडेट होता है। तो कैश बुक आउट ऑफ डेट नहीं होगी, बल्कि डी आंसर हो जाएगा, रिजल्ट फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट बीइंग आउट ऑफ डेट कंपेयर्ड टू विद कैश। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डी आंसर। 258 258। अच्छा लिखा हुआ लार्ज रिटेल ग्रुप है, एक लार्ज रिटेल ग्रुप है, तो वो हाँ ओपन शुड स्टेटमेंट, ठीक है। तो एनुअली बनेगा, मंथली, डेली या वीकली? एनुअल तो नहीं होगा, मंथली भी नहीं होगा। आंसर होगा इसका डेली, डेली बनता है। लार्ज रिटेल ग्रुप है तो उसके एक से ज्यादा बैंक अकाउंट्स होंगे, डेली की लाखों की ट्रांजेक्शंस होंगी, तो उसका बीआरएस भी डेली बेसिस पे रिकनसाइल होता है, और इसके लिए बकायदा एक बंदा रखा जाता है जिसका काम ही ये होता है कि पूरा दिन बैठ के वो बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक को रिकनसाइल करता रहता है, ताकि आपका बैंक बैलेंस ओवरड्राफ्ट में ना चला जाए, ठीक है। तो आंसर होगा लार्ज रिटेल ग्रुप के लिए डेली बेसिस पे। 259, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वुड नॉट अफेक्ट बैंक रिकंसिलेशन? डिसऑनर चेक आते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं आता ना इसमें, ये तो पेबल लेजर में जाता है ना, पेबल में। बैंक इंटरेस्ट आता है, लॉजमेंट्स आता है, बी आंसर होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड, ना कैश बुक में आता है ना बीआरएस में आता है। डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री क्या होती है? डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट अकाउंट्स पेबल डेबिट। तो इसका इफेक्ट कहां पर आएगा? पेबल में। कैश बुक या बीआरएस में कोई इफेक्ट नहीं आता ना, तो आंसर होगा बी। हाँ अच्छा बताएं, 260, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, 260। चेक अपेयर इन द बैंक स्टेटमेंट द सेम डे एज इट अपेयर इन द कैश बुक, तो कौन सा चेक होगा जो कैश बुक और बैंक स्टेट दोनों में एक ही डे पे रिकॉर्ड हो जाए? बी है, मतलब आज हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया तो आज ही बैंक में भी रिकॉर्ड हो गया, कौन सा चेक होगा? इट हैज बिन पोस्टेड टू द पे, तो पोस्ट किया तो पहुंचने में दिन लगेंगे, फिर वो क्लियर करवाएगा, ठीक है। इट हैज बिन यूज टू विड्रॉ कैश फॉर वेजेस, होगा लेकिन बी क्या है? कैश विड्रॉ करने के लिए आपने चेक लिखा ना, चेक लिखा आपने, बैंक गए, कैश विड्रॉ किया तो फॉरन रिकॉर्ड हो जाएगा। वेजेस के लिए आपको कैश विड्रॉ करना है, आपने चेक लिखा, चेक लेके बैंक गए, बैंक से कैश करवा लिया, कैश लेकर आ गए, एक ही डे में दोनों जगह रिकॉर्ड हो गया, बी आंसर हो जाएगा। क्लियरिंग में कितने दिन लगते हैं? तीन दिन नहीं, एक दिन अब भी नहीं लगता, तीन दिन नहीं लगते, अगर एक होती है वो नॉर्मल टाइम 3 डेज ही होता है, पर वो होता है कि वो सेम डे के लिए चार्जेस होते हैं, सेम डे अगर करवाना है उसके लिए अलग से चार्जेस होते हैं एक्स्ट्रा, नॉर्मल 3 दिन ही होते हैं, और अगर सेम बैंक है तो वो तो फॉरन ही क्लियर हो जाता है, वो कंडीशनल है, ठीक है। नॉर्मल ड्यूरेशन वही 3 डेज का होता है, 3 वर्किंग डेज, ठीक, नॉर्मल टाइम 3। बातें नहीं, फजूल बातें। हाँ मिजान का बैंक है तो 3 दिन, हाँ तो फॉरन हो जाएगा, हाथ क्या तो जाएगा, वो तो हैंड टू हैंड हो जाता है, तो क्योंकि वो मिजान, मिजान ऑनलाइन है, उसी को एंटर करेगा उसी वक्त ट्रांजेक्शन हो जाएगा, सही है। तो नॉर्मल ड्यूरेशन 3 डेज ही होता है अभी भी। अच्छा, सीधा इट हैज पास थ्रू बैंकिंग क्लियरिंग सिस्टम, क्लियरिंग में 3 डेज लगते हैं। अच्छा, इट रिप्रेजेंट पेमेंट टू शॉपकीपर इन अ फॉरेन कंट्री, इसमें तो कई दिन लग जाएंगे ना, फॉरेन कंट्री है, ऑप्शन बी।
अच्छा 262 बता दें, 262 इन द बैंक बिफोर बिजनेस कैश बुक, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है जो बैंक पहले रिकॉर्ड करेगा, हम कैश बुक में बाद में रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट बैंक चार्जेस हैं, बैंक पहले रिकॉर्ड करता है, हम स्टेटमेंट मिलने के बाद रिकॉर्ड करते हैं, मैसेज आता है। ठीक है, अच्छा ये भी हम पढ़ेंगे बाद में, टॉपिक हमारा बैंकिंग सिस्टम। ये एरर के क्वेश्चंस हैं, ये कंट्रोल अकाउंट, ये कंट्रोल अकाउंट खत्म। ये तो आपकी कैपलान टिकट हो गई कंप्लीट।